हम लोग बादलों में बिल्कुल बारिश में ट्रैक करना पड़ रहा है छाता लेके वो भी। तो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं, बताऊंगा नहीं आज कहाँ जाने वाले हैं, आज हम बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं। और आपको इतना बता दूं हम पहाड़ों पे जाने वाले हैं और पहाड़ों पे बिल्कुल टॉप पे। और वो जगह कहाँ है कहाँ नहीं आपको वीडियो में देखना और थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि हम कहाँ पे हैं। और ये सब मैं बताऊंगा जब वहाँ पहुँच जाऊँगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ पे हैं, कौन सी जगह है ये, कहाँ है। और आज मेरे साथ जाने वाले देव भाई जो पिछली बार गए थे। हेलो दोस्तों यो। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और ऐसे ही आपको मैं अच्छे अच्छे व्यू दिखाऊंगा आपने जैसे पहले वीडियो में दिखाता हूँ आपने। और एंड तक बने रहना वीडियो में, बहुत कुछ है यार, हम बहुत जगह जाने वाले हैं आज। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह जाने वाले हैं आज हम। और तीन तीन जगह एक साथ। हाँ तीन तीन जगह एक साथ, तो बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। शिकायत आए तो कमेंट में जरूर लिखना। हाँ ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। और हल्द्वानी से हमें थोड़ा बहुत, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हल्द्वानी से हमें नैनीताल जाना है और नैनीताल से भी हमें आगे जाना है। तो हल्द्वानी में हम रुके हुए हैं और जो हमारा भाई था उसे बहुत भूख लगी है, तो भाई केला ले रहा है, ये देख सकते हो। अभी हम केले खाएंगे और आते समय हम मैगी खाएंगे। देव भाई से कंट्रोल नहीं हुआ भूख, कह रहे हैं हम वहाँ नहीं खाएंगे, अब यहीं खाएंगे। बिल्कुल इतनी तेज भूख लग गई, देखो तीन तीन चार चार केले लेके बैठे हुए हैं। मैं एक का हूँ, चल वहाँ पे है और ले लियो। दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देवियों सजनों, केला खाओ, केले भी खिलाने में झूठा खाया बोल भाई ये अपना कोई नहीं चलता है। आप सब लोग केला खाना तो आइए, यहाँ पे ज़्यादा नहीं 60 रुपये दर्जन है, मार्केट का बहुत ही अच्छा दाम, बिल्कुल सस्ता दाम, सस्ता 60 रुपये दाम, सस्ते में सारा काम। हमारे रुद्रपुर में 40 का है, 60 का, ज़्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा सा इतना क्या, इतना तो आप आए हैं, इतना दूर तो थोड़ा तो दे ही जा सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, घूमने के साथ साथ पैसा कमाना भी आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, पैसे के बिना हम कहीं भी घूम नहीं सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे टेलीग्राम चैनल के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप छोटा सा इन्वेस्ट करके बहुत ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, लाइक 5,000 to 10,000 तक आप डेली अर्न कर सकते हो। और पर्सनली मैं इनको फॉलो भी करता हूँ और पैसे कमाता भी हूँ। और इनका बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगता है ना कि आप कमाने के साथ साथ आपकी माइंड स्किल भी ग्रो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कब स्टॉक खरीदना है, कब ट्रेडिंग करनी है, किस टाइम ट्रेडिंग करनी है, कब विड्रॉल करना है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं ये। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है इनका। और इनके टेलीग्राम का नाम है स्टॉक मार्केट टिप्स। तो देर किस बात की, आगे जाके ज्वाइन करो। और टेलीग्राम का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। हम फाइनली केला खा चुके हैं और देव भाई भी अपना पेट फुल कर चुके हैं और हम बिल्कुल निकलते हैं। सो गाइस हमें अभी नैनीताल पहुंचने में 5 किलोमीटर बचा है और जहाँ हम अभी खड़े हैं यहाँ इतने काले बादल हैं और हम अभी आगे से आ रहे थे, बिल्कुल मौसम साफ, बिल्कुल तेज़ धूप। और जहाँ हमें अभी जाना है ना वहाँ पे धूप की बहुत ज़रूरत है, तभी मतलब लोकेशन बहुत बढ़िया आएगा, आपको व्यू भी अच्छा मिलेगा, आपको व्यू भी अच्छा मिलेगा। लेकिन बादल पता नहीं क्या यार धोखा दे रहे हैं आपको, बादल धोखा दे रहे हैं, देख लीजिए एक बार। लेकिन आई होप यहाँ पे बादल धूप बारिश दो दो मिनट में चेंज होती रहती है। देख सकते हो कितने काले बादल हैं, वो पहाड़ों में बादल देख रहे हो आप, कैसे दिख रहे हैं वो देखो, कैसे उड़ के बिल्कुल काले बादल हैं, बस बारिश ना हो। बाकी तो अभी हमें तो अच्छा लग रहा है, जहाँ हमें ट्रैकिंग करनी है वहाँ पे हमें मतलब थोड़ा धूप वगैरह चाहिए, तभी आपको मैं अच्छा व्यू दिखा पाऊँगा। व्यू तो वैसे भी दिखाऊंगा पर अगर धूप हुई तो और अच्छा दिखाएगा। देव भाई कुछ कहना चाहोगे क्या? क्या बताओ दोस्तों, क्या मौसम है यार, मतलब एक नंबर का। मगर जहाँ हम आपको व्यू दिखाने वाले थे ना, वहाँ पे जाने के लिए हमें पैदल जाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें,
अगर बारिश हो गई तो रास्ता भी बहुत खराब हो जाएगा। देखते हैं मगर हम आपको पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे, मगर आप देखिए वहाँ पे देखिए जरा एकदम बादल तो पहाड़ों के नीचे आ रहे, काले काले बादल कितने मस्त लग रहे हैं, मतलब क्या व्यू है यार कसम से। अभी हम 2-3 किलोमीटर नीचे थे ना, वहाँ तक कुछ नहीं, एकदम धूप हो रहा था, हम कह रहे थे यार स्वेटर है, मतलब गर्मी इतनी हो रही है क्या हो रहा है। यहाँ पे आए तो हम कह रहे थोड़ा स्वेटर होता तो मजा आता यार। फाइनली गाइस हम नैनीताल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हो रही है धूप, और देख के धूप देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ धूप की बहुत ज़रूरत है। और हम जहाँ जाने वाले हैं उसका नाम मैं बताऊँ आपको, हम जाने वाले हैं नैनी पीक और कैमल्स बैक थोड़ा नीचे। हाँ, और यहाँ से व्यू इतना अच्छा आता है ना, मतलब हम लोग बादलों के ऊपर रहेंगे, इतना अच्छा व्यू आएगा पूरा। और जो ये झील दिख रही है आपको, ये पूरी झील आम के शेप में दिखेगी। अब मैं आपको ऐसे बोल के बता नहीं सकता, आप जब दिखोगे तभी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? थोड़ी देर में हम आपको मिलते हैं वहीं पे। और रास्ते में इतनी ठंड हो रही थी ना, बिल्कुल ठंड लग रही थी यार, बहुत ठंड लग रही। अगर आप लोग इस टाइम आओगे ना तो साथ में जैकेट वगैरह लेके आना, हम तो हाफ पहन के आए, देखो ये तो फुल पहन के आया, तब भी ठंडी बहुत लगी। तो फाइनली हमको थोड़ा बहुत नैनीताल का व्यू दिखाता हूँ, फिर हम चलते हैं। और मेरे यहाँ के दो फ्रेंड रहते हैं, वो लोग आ रहे हैं क्योंकि रास्ता उन्हें पता है और हमें ट्रैक करना है ऊपर तक, तो उनको बुला रहा हूँ, फिर उनका भी इंट्रो कराता हूँ, फिर हम चलते हैं। तब तक आप थोड़ा सा नैनीताल का व्यू एंजॉय करिए। हमारा फ्रेंड हमारे साथ आ चुका है और ये हमें जगह दिखाएगा। ये है भाई का नाम है राहुल और यहाँ भी एक कॉलेज करता है। कॉलेज में क्या कर रहा है तू? बीकॉम। बीकॉम कर रहा है, बीकॉम फर्स्ट ईयर। जो मैं कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर, मेरा हो गया, सेकंड ईयर में आ गया हूँ। तो गाइज यार अब यहाँ बारिश इतनी स्टार्ट हो गई है, और आपको मैंने पहले व्यू दिखाया था उसमें धूप हो रही थी, अब पता नहीं वहाँ का व्यू सही आएगा नहीं आएगा, देखता हूँ। अभी तो नैनी पीक तो जाऊँगा यहाँ का व्यू देखो, और कैमल्स वॉक का तो पता नहीं यार दिखा पाऊंगा नहीं दिखा पाऊंगा आपको, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है वीडियो में रहना जरूर। सिर्फ हम छाता लेने तो ऊपर जा रहे हैं ना, क्या बताऊं, और हमें अभी उतनी दूर गए भी नहीं है, इतना पैरों में दर्द हो रहा है, क्या बताया उस भाई का, देखो उसकी हालत खराब हो गई है बिल्कुल। बारिश इतनी हो रही है यहाँ पे कि हमारा दोनों जगह प्लान कैंसिल करना पड़ रहा है, कैमल्स बैक का भी और नैनी पीक का भी। तो हमारा भाई एक दूसरी जगह लेके जा रहा है, उस जगह का नाम बता क्या है? उस जगह का नाम है क्लिप, और टिफिन टॉक जाएंगे अभी हम, वहाँ पे भी व्यू काफी अच्छा मिलेगा, और आप दिन से बारिश हो रही तो बारिश में बहुत प्यारा व्यू आएगा वहाँ से, वहाँ मिलते हैं। तो गाइस यार वहाँ आपको आज ले नहीं जा पाया, उसके लिए माफ करना मेरे को, सॉरी उसके लिए, लेकिन जहाँ हम अभी जा रहे हैं वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा वीडियो, और यार बारिश में जा रहे हैं यार आपके लिए, लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। और हमारे देव भाई कुछ कहना चाहोगे? देव भाई तो बहुत थक चुके हैं यार, बहुत बारिश हो रही है यार, बहुत कैसे दिखाएं, कोई ना अब जैसे भी दिखाना पड़े आपको दिखाना है, और ब्लॉगर की तरह हम घर पे नहीं बैठते, आपको दिखाना है तो दिखाना है, जैसे भी छाते में यूज करें या कैसे भी। बारिश में ट्रैक करना पड़ रहा है छाता लेके, वो भी इतनी मुश्किल हो रही है ना, आपको क्या बताऊं, लेकिन हम वहां तो नहीं जा पाए, लेकिन भाई ने जहां बताया जाने के लिए वहां लेके जा रहा है भाई हमें, और वहां का व्यू भी बहुत अच्छा होने वाला है। 3-4 किलोमीटर पर चढ़ाई हो चुकी है। हाँ, 3-4 किलोमीटर पहले चढ़ चुके हैं, अभी और चढ़ना है, अभी तो ये पक्का रोड है, आप देख सकते हो आगे कच्चा रोड आने वाला है। बारिश धीमे हो चुकी है, थोड़ा सही लग रहा है, बारिश धीमे हो गई तो यार, और ये ट्रैक करके भी बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रैकिंग अच्छी है, अभी तो फिलहाल थोड़ा रोड सही है, आगे जाके रोड और खराब है, बिल्कुल कीचड़, देख सकते हो रोड सही है, बहुत ही ज्यादा चढ़ाई है दोस्तों। चढ़ते चढ़ते हम तो बहुत थक गए, पैर जवाब दे रहे हैं, पैर जवाब तो नहीं दे रहे, अभी तो बहुत जाने हमारे अंदर, अभी तो हम बहुत ऊपर जा सकते हैं फाइनली। तो अच्छा लग रहा है, जो भी मेरे को ट्रैक करने में बहुत मजा आता है, मतलब मेरे को जितना खतरनाक रास्ता हो, जितना मतलब डेंजरस रास्ता हो, उतना मज़ा आता है मेरे को ट्रैकिंग करने में, और मुझे ऐसी जगह पसंद भी है, तभी मैं ऐसी जगह दिखाता हूँ आपको।
हमारे एक भाई पता नहीं किससे बातें करते हुए आ रहा है, ये हाई कर रहा है तो हाई कर ले भाई, हाई कर ले तो हाई कर ले। यार बारिश बहुत तेज हो गई, अब छाता खोलना पड़ेगा। ऐसे ट्रैकिंग किसने की होगी बताओ, कोई किसी ब्लॉगर ने की होगी बताओ। छाता लेके चल रहे हैं, छाता लेके ट्रैकिंग कर रहे हैं हम। इसमें थोड़ा सा प्लेन रास्ता मिला हुआ है और देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, पेड़ पौधे ग्रीनरी, और हमें आगे से अभी और ऊपर चढ़ना है। आ जाओ यार, क्या व्यू है यहाँ। अपने सिनेमैटिक एंजॉय किया होगा यहाँ का, और अभी तो हमें बहुत आगे जाना है और बहुत सारे व्यू बाकी हैं दिखाने को आपको, तो हमारे साथ साथ आप भी एंजॉय करो। और ये पेड़ देख सकते हो कितने सारे पेड़ हैं, ये कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं। दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई हल्की हल्की, और हमें तो अभी बहुत ऊपर जाना है। फाइनली गाइस हम टिप एंड टॉप पे आ चुके हैं, और यहाँ पे इतना अच्छा व्यू है, हम बादलों में हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। बस थोड़ा सा वेट और, थोड़ा सा वेट और, थोड़ा सा वेट और, अब मैं आपको दिखाता हूँ हम कहाँ पे हैं। देख भाई हटो। सो गाइस देखो हम लोग बादलों में बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पे बारिश भी हो रही है और धूप भी हो रही है, और आप सोच नहीं सकते कि हम कितना ऊपर हैं। जो वो लोग दिख रहे हैं आप लोगों को, उनसे भी ऊपर है हम लोग। यहाँ पे कोई आ भी नहीं रहा कि इतनी बहुत वैसी जगह यार ये। मैं आपको दिखाऊं क्या, देखो यहाँ से पूरी खाई है, पूरी खाई, अगर गिर गए तो गए। अगली ब्लॉग में मिलेंगे, अगले ब्लॉग में मिलेंगे नहीं, पर ऐसा नहीं होगा, हम लोग संभल के आ रहे हैं, और आप भी बिल्कुल संभल के आना अगर आप यहाँ पे आओगे तो। तो गाइस हम आपको सिनेमैटिक एंजॉय करवाते हैं। You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. अपने सिनेमैटिक एंजॉय किया होगा, और यहाँ का मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा है, हम बिल्कुल बादलों में हैं आप देख सकते हो बिल्कुल। और इसके बाद हम जा रहे हैं अगले लोकेशन पे, और वहाँ भी लोकेशन दिखाएंगे। अभी ख़त्म नहीं हुई वीडियो, अभी अगले लोकेशन में जाएंगे हम। आपने पहले वाला व्यू एंजॉय किया होगा, और अब हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे, और उसका नाम है क्लिप्स, ठीक है। और आप देख रहे हो कितना अंधेरा है, बिल्कुल और बारिश भी स्टार्ट हो गई, आप आवाज सुन सकते हो, आवाज बारिश की। सो गाइस यार देख सकते हो कितना अंधेरा है, बिल्कुल बारिश हो रही है, आप देख सकते हो पूरा। अब मैं क्या करूँ, मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। आगे का व्यू आप दिखाऊँ कैसा है, अभी कितना बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल बारिश हो रही है, देख सकते हो बारिश स्टार्ट हो गई। हम लोग यहाँ रुके हुए हैं छाता लेके, यार बहुत बारिश हो रही है, अब जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, अब हम सोच रहे हैं कि आप आगे ना जाएं। बहुत बारिश हो रही है यार, बहुत बारिश, देख रहे हो हम कितना सोच रहे थे आप लोगों को व्यू दिखाएं, मगर क्या करें, देखिए आधे घंटे हो गए यहाँ इंतजार करते करते, बहुत बारिश हो रही है, देख रहे हो पूरे ऊपर से नीचे पूरे गीला हो गया, घर भी जाना है। एक तो छाता हमें मिल गया, वो सहारा है हमारा, नहीं तो हम क्या करते बीच में आके, अभी घर भी जाना है। पूरा जंगल का इलाका है, आप देख सकते हो पूरा जंगल, कोई नहीं है, सिर्फ हम ही है यहाँ पे, और आपको व्यू दिखाने के लिए हम रास्ते में रुके हुए हैं, रास्ते में रुके हुए हैं जाना, हम आपको पूरा कोशिश कर रहे थे कि हम आपको भी दिखाएं, मैं क्या करें, आधे घंटे तक यहीं रुके हैं, बारिश हो रही, गीला होना, घर जाना है, बाइक से आए हैं, ठंडी बहुत लगेगी। सो गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो हमारे चैनल पर नए हैं, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊंगा तो पूरी कोशिश करूंगा, जो चीजें हमारे रह गई है, क्लिप रह गया है, नैनी पिक रह गया है, और क्या नाम था उसका, क्या नाम था यार, कैमल बैग, हाँ कैमरास बैग रह गए, सारे व्यूज रह गए हैं, अभी तो मैंने आपको दो ही व्यू दिखाए, दो सिनेमैटिक दिखाए ना, अभी तो बहुत बाकी है,
तो बाकी हम रास्ते में जाते हैं और रास्ते में कोई अच्छा व्यू मिलेगा तो आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय। भूख भी बहुत लग रही है, भूख बहुत लग रही है, वो नीचे जाके खाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। एक बार राजमा चावल खाया था, वो दिखाना भूल गए थे तो गाइस हम लोग आपसे नीचे मिलते हैं। फाइनली गाइस हम नैनीताल से बहुत नीचे आ चुके हैं और हमें बहुत तेज भूख लगी है तो हमने यहाँ पे मैगी ऑर्डर की है और मैगी आ रही है, फिर हम मैगी खा वा के चलते हैं घर डायरेक्ट। हम मैगी वगैरह खा चुके हैं, मैगी बहुत अच्छी बनी थी। अगर आपको पहाड़ों में आते हो तो मैगी ज़रूर खाया करो, पहाड़ों में आके अगर मैगी नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। मैगी और चाय, आज तुमने चाय पी क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी, ठंड लग रही है ना, हाफ पहना है आप कुछ क्या कर सकते हैं, ना स्वेटर लाए ना कुछ, अब ऐसे ही जा रहे घर। और अब हम आपको डायरेक्ट घर मिलते हैं और घर मिलके बात करते हैं आपसे। हे गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी क्योंकि यार आज का वीडियो में बहुत कुछ था, एडवेंचर, ट्रैकिंग, बारिश, धूप, सब कुछ था। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और आई लव यू ऑल।